शुभकामनाएं, विशिंग यू अ वंडरफुल ईयर अहेड विद लॉट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. Diwali is always very special, and what makes it special is spending time with people you love the most. And for me, almost हर साल मैं किसी ना किसी फिल्म सेट पे होती हूँ, बट इस साल मैंने बहुत मतलब आई हैव मेड अप माई माइंड कि मैं चाहती हूँ कि मैं घर पे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपनी दिवाली सेलिब्रेट करूँ. एंड जैसे कि सब जानते हैं दैट दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, स्वीट्स, नए नए कपड़े पहनना, फैमिलीज के साथ बाहर जाना, लक्ष्मी पूजा करना. सो द एंटायर आई लव डूइंग इट इन द होल ट्रेडिशनल वे. सो दैट्स माई प्लान फॉर दिस ईयर, स्पेंडिंग इट इन द एब्सोल्यूट ट्रेडिशनल. दिवाली से जुड़ी हुई साइलेंट प्लीज. दिवाली से जुड़ी हुई कोई खास याद जो आप अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? बचपन से मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है, एंड मुझे याद है कि बचपन में यूज़ टू स्पेंड द होल डे डेकोरेटिंग आउटसाइड द हाउस, मेकिंग द रंगोली. और कितने बार ऐसा होता था कि पहली अटेम्प्ट में हमें वो हम जो पैटर्न चाहते हमें नहीं हम नहीं बना पाते थे, पर हम लोग पूरा पूरा दिन बिता के एक खूबसूरत सी रंगोली बनाते थे, उसके इर्द गिर्द दियाज डेकोरेट करते थे. एंड इवन नाउ आई लाइक टू मेक माई ओन दियाज एंड गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स. आई थिंक ये जो पर्सनल टच होता है यही दैट्स द ब्यूटी ऑफ यू नो सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल. मुझे क्रैकर्स से कभी भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है, इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. एंड मी एंड माय ब्रदर आई थिंक व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट चैनल आल्सो आई हैड डिसाइडेड आई वोंट बी वर्स्टिंग एनी क्रैकर्स, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है. जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं रस्तों पे बहुत उनको बहुत बहुत दिक्कत होती है. सो आई जस्ट डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड टू एन्जॉय अ फेस्टिवल. यू कैन डू इट इन द मोस्ट इको फ्रेंडली वे, एट द सेम टाइम एन्जॉय टू द फुलेस्ट. अच्छा, जिसकी भी गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दी क्रैकर्स के ऊपर, तो बहुत सिक्योरिटी में वेल मैं बचपन से मैं क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करती, बिकॉज आई थिंक दैट हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं दे हैव सो मच मोर टू ऑफर देन जस्ट यू नो लाइक इन दिस केस फायर क्रैकर्स आर एडिंग टू द एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन. सो अगर हम इन दोनों चीज़ को अवॉइड करके सेलिब्रेट कर सके तो व्हाई नॉट. एंड आई हैव सीन कि नॉर्मली दिवाली के एक दिन बाद जो अगर आप रस्तों पे कभी भी चलेंगे या व्हेनेवर ड्राइविंग थ्रू यू सी इट्स सो डर्टी एंड वी ऑलवेज एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू क्लीन इट, बट अगर हम वो गंदा ही ना करें तो हमें साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड एक कस्टमरी फुल जोली जलाऊंगी इस साल. आई थिंक दैट्स अबाउट इट, बट नॉट रियली बर्स्टिंग दैट. दिवाली के सिर्फ क्रैकर्स तो हैं, साथ ही साथ मिठाइयाँ और तरह तरह की डिशेज की भी बहुत बात होती है, तो विच इज़ योर फेवरेट? मुझे इंडियन स्वीट्स बहुत पसंद है, बेशक मैं पूरे साल नहीं खाऊँ, बट दिवाली का ये त्यौहार मैं कभी भी मिस नहीं करती टू हैव माई फेवरेट स्वीट्स. आई लव गुलाब जामुन, आई लव रसमलाई, आई लव काजू बर्फी. सो इस साल मैं पूरी आई एम गोना ट्राई आउट ऑल माय फेवरेट स्वीट्स. मैं बनाती नहीं क्योंकि मैं बनाऊंगी तो कोई खा नहीं पाएगा, पर घर में बहुत सब खाने के शौकीन हैं. सो पूरी तैयारी रहती है. तो जाने से पहले सभी दर्शकों से व्यूअर्स से क्या जस्ट विशिंग एवरीबडी अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड पीस. हम नॉर्मली सुनते रहते हैं कहीं पर ये हो रहा है, कहीं पर वो हो रहा है, वो सब you know all keeping all the evil and bad things aside, spreading happiness everywhere. Thank you. Just a wish for the lehri. Yes. Which camera you want me to use? This one. Hi, main hu Tamanna and wishing all the lehri viewers a very very happy Diwali, have a prosperous year ahead and a peaceful one. Hi, मैं हूँ तमन्ना एंड विशिंग लहरे द 30th हैप्पी बर्थडे. इट्स अमेजिंग, मतलब सो मेनी ईयर्स एंड आई एम विशिंग यू ऑल द मोर ईयर्स, ऑल द मोर ब्यूटिफुल ईयर्स अहेड एंड कीप एंटरटेनिंग अस. थैंक यू. ही को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. इट्स बिन अ ग्रेट ईयर, यू नो बहुत अलग अलग फिल्में इस साल मैं कर पाई हूँ, बट आई हैव ऑल्सो मेड इट अ पॉइंट कि हर त्यौहार को पूरे जोरों शोरों से सेलिब्रेट करना है ये साल. आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ माई रियली लॉन्ग विशेज, बिकॉज दिवाली हो या कोई भी यू नो फेस्टिवल हो, उसमें जो छोटी छोटी रस्में होती हैं उसी में पूरा मज़ा है.
लाइक आई लव डूइंग रंगोली एंड दैट इज़ समथिंग दैट बचपन में बहुत करती थी. एंड ऑफकोर्स यू नो आई थिंक एज टाइम इलैप्सेस यू डोंट स्पेंड डूइंग ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स एज मच. मुझे दिया बनाना बहुत पसंद है सो बट उसको छोड़ के ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है और बहुत बहुत मज़ा आता है करने में इसे मैं इस साल वो करने वाली हूँ. दिवाली माना जाता है मिठाइयों का त्यौहार. बिल्कुल. तो आपको कितना बनाना और खाना पसंद है मिठाई? मैं बनाऊंगी तो कोई खा नहीं पाएगा इसीलिए मैं बनाती नहीं. बट डेफिनेटली ये दिवाली और मुझे इंडियन स्वीट्स बहुत पसंद है. लाइक आई लव रसमलाई, आई लव गुलाब जामुन. यहाँ पर काजू बर्फी तो मुझे देख रही है तो मैं उसे ऑलरेडी एक ऑलरेडी खा चुकी हूँ और अभी तो जिस पोजिशन में रखा है अच्छा नहीं है मेरे लिए. बट यस आई लव इंडियन स्वीट्स. एंड ये त्यौहार में स्पेशली इतने गिफ्ट्स आते हैं जो स्वीट्स के होते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप बिना खाए रह सकें. तो बचपन में दिवाली की यादें ताज़ा होती है और कौन सा ईयर ज़्यादा अच्छा रहा है दिवाली का आपके लिए? आई थिंक फॉर मी दिस ईयर इज़ रियली रियली स्पेशल बिकॉज मैं घर पे हूँ. आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली. मेमोरीज़ फ्रॉम जो पूजा का दिन होता है आई थिंक वो बहुत मेमोरेबल होता है क्योंकि ऑफिस में पूजा होती है, घर में पूजा होती है एंड द होल फीलिंग दैट यू नो द ईयर इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑफ ऑन अ पॉजिटिव नोट वो बहुत ही एक अच्छा फीलिंग होता है. एंड सो या आई मीन एंड दिवाली इज़ एवरीबडी कम्स टुगेदर. लाइक इतनी पार्टीज़ होती है, लाइक आप तो नोटिस ही करेंगे, सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है क्योंकि हम अपने लाइव्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि वी डोंट एक्चुअली स्पेंड टाइम. बट दिस इज़ अ ग्रेट टाइम ऑफ द ईयर जहाँ पर सब इंडस्ट्री हो या फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, दे ऑल मेक टाइम टू बी विद ईच अदर. सो आई एम हैप्पी दैट आई एम अराउंड, आई एम गोइंग टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. तमन्ना, इसके अलावा जो दिवाली न्यू ईयर भी मनाया जाता है, जी, लोग न्यू ईयर भी मनाते हैं, तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन है जो इस साल आप करने वाली है अगर आप शेयर करना चाहें अपने फैंस के साथ? डेफिनेटली माई रेजोल्यूशन इज़ टू डू ऑल द स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट आई डोंट नॉर्मली एंड अप डूइंग, लाइक स्पेंडिंग टाइम यू नो विथ योर फ्रेंड्स और विथ फैमिली. जैसे मैं कह रही थी कि दिवाली की छोटी छोटी रस्में होती हैं जो बहुत फन होती हैं. नॉट ओनली दिवाली बट एवरी फेस्टिवल दैट कम्स. अभी उसके बाद जब क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, आई थिंक आई वांट टू एंजॉय ईच एंड एवरी फेस्टिवल एंड हैव फन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. क्रैकर्स फोड़ना कितना पसंद है और मतलब ऐसी कोई मेमोरी है, कोई नॉटी चीज़ें की वो आपने दिवाली के दौरान? सो मी एंड माई ब्रदर व्हेन वी वर रियली स्मॉल किड्स वी डिसाइडेड टू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स क्योंकि हमें मालूम पड़ा कि इसमें चाइल्ड लेबर, यू नो दे आर द वंस हू एक्चुअली मेक क्रैकर्स एंड दे हर्ट देमसेल्व्स, दे इंजर देमसेल्व्स. तो उसके वो साल के बाद आई वाज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड और समथिंग लाइक दैट, उसके बाद मैंने कभी क्रैकर्स बर्स्ट नहीं किए. एक जो रसम की होती है, एक फुलझड़ी होती है, वो हम करते हैं, बट दैट्स अबाउट इट. एंड ऑल्सो आई थिंक इन टुडेज टाइम एंड एज देर इज सो मच पोल्यूशन आउटसाइड, हमें और पोल्यूशन ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड यू नो देर आर लाइट्स, यू कैन स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स फैमिली, एन्जॉय योर सेल्फ, बट देन बर्स्टिंग क्रैकर्स इज ओनली एडिंग टू द पोल्यूशन. सो उसे अवॉइड करके इधर और बहुत ज़रिए हैं जिसे आप मज़ा कर सकते हैं. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई थिंक इट्स गुड टू मेक दैट चेंज एंड मेक थिंग्स इको फ्रेंडली. और प्रोफेशनल फ्रंट की अगर हम बात करें, बाहुबली के बाद चॉइसेस चेंज होने वाली है आपकी या फिर? डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आई शुड चूज स्क्रिप्ट दैट आई एन्जॉय मोस्टली एंड समथिंग दैट इज गिव्स मी अ स्कोप टू परफॉर्म. Like इस साल I've done a film with Vasu ji which is where I play deaf and mute and मेरे लिए वो किरदार निभाना एक बिल्कुल नया था and that's a Hindi film. Apart from that I'm doing a Telugu film which Kunal Kohli has made. I mean it was very interesting to see a Hindi filmmaker come into you know making South films क्योंकि अभी भाषा का जो importance था वो blur होते जा रहा है. Now it's all about good content, good cinema. और कहीं पर भी वही चल रहा है कि अगर film अच्छी है तो लोग देखना चाहते हैं. So it's very interesting to see this exchange of filmmakers and the thought that you know is bhasha mein bhi humne banani chahiye, film mein banani chahiye. And so yeah, I mean I've had a very interesting mix and yes, I definitely feel very responsible after doing Baahubali. So 2017 aapke liye kafi acha raha hai, to 2018 se kya expect karna hai? You know I'm just trying to live each day at its at a time and but yes, definitely to do things that are more meaningful that I really really associate with. And I think this year has been it's been a great realization for me to invest my time and my effort in things I actually like doing. Thank you so much. Jata Thank you. The
दिवाली की विशेष अपने यस सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली हैव अ फैंटास्टिक ईयर ये साल आप सभी के लिए बहुत खुशी खुशी भरा हो पीसफुल हो हैव अ सेफ इको फ्रेंडली एंड आई एम वेरी हैप्पी दिवाली थैंक यू सो मच